तो बाकी का व्लॉग मेरी बैंक में। ओके अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम ये थक के भाई तो चला गया स्कूल, तो रूम में वो था क्योंकि मैं ज़्यादातर अंदर ही सो जाती हूँ, तो रूम जहाँ है जिसने बुक ली है पर शीट तो ठीक ही लग रही, तो वो उसकी इवनिंग शिफ्ट होती है तो वो तो गया अभी कॉलेज, अब वो आएगा शाम को। उससे पहले से मुझे कहा था तुमने व्लॉग क्लियर करना है इस तरीके, तो इस चीज़ से इतना क्योंकि हम इस रूम में काम आते हैं तो बाहर वाली साइड पर थोड़ी होती है इससे, तो हम अंदर ही सोते हैं। तो आज इधर सोया था क्योंकि बारिश हुई थी रात को, हमने व्लॉग भी दिखाया तो लगा बस ठीक है। तो सही है कि वो शाम को आएगा फिर हम मिलकर व्लॉग बनाएंगे, और शायद आज हम लोग कुछ करें बाहर जाने के सीन दोस्तों के साथ, तो तब तक करते हैं और मैं तब तक खाना खा लूँ क्योंकि हम उठे लेते हैं आज। अब भाई चला गया उठते साल तो ट्यूशन से वापस आके वो गया स्कूल, और अब जब आएगा तो फिर बाकी का व्लॉग करेंगे। तब तक के लिए और हाफिज़। मैं अंदर हो चुकी थी जी बोर, मैं बाहर फिर मामा ने कहा जाओ ये आंटी को पैसे दे आओ, तो फिर पैसे लेने जाऊँगी। फिर सीन दिखाते हैं यहाँ का, मेरी खिड़कियाँ गंदी हुई नॉर्मल, लेकिन चले हम जाते हैं पैसे लेने। ठीक है ये जी हम जा रहे हैं अपने आंटी को पैसे देने ले के, तो फिर आके आपसे बात करते हैं ठीक हो गया। क्या रास्ता है ये जी, हम वापस आते हैं बच्चों के हाल चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मतलब तो वहाँ पे हो गया रहा है मतलब ठीक है सही जा रहा है। मुझे घर में सुकून से कोई बैठने नहीं देता, फिर मामा ने बोल दिया कि जाओ दुपट्टे पीछे कराओ और जो दिया हो गया, ठीक है हम जा रहे हैं दुपट्टे पीछे कराने कि मेरी सहेली मेरे साथ जा रही है तू लाने दे, ये अब हम जा रहे हैं अपनी मार्केट की तरफ। वैसे वहाँ पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं फिर, ये चलते चलते बातें करनी है आपने मेरे साथ, करेंगी नहीं नहीं करनी बंद कर दूँ कैमरा देखनी आती आपको याद होंगी है ना, याद है ना, गाओ 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 एक दुपट्टे की वजह हम गर्मी में ढील हो रहे हैं बाहर हमें देख नहीं देता। घर हम आ चुके हैं और ये पड़ी हैं दो चीज़ें पट्टे वगैरह और सारी चीज़ होता है बंद मन तो हमने खाने का, एक और चीज़ भी दी है ये बाजियाँ बाकी अब भाई आएगा तो उसके बाद हम कुछ कंटेंट बनाएंगे या कुछ वीडियो सीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें क्या बच्चे से आने का टाइम होने वाला है, दिन क्या टाइम हो लेट 5:58 3:30 तक आ जाएगा ना, तो मैं क्यों ना उसके वेट करते करते थोड़ा और आने, हम बैठे हुए थे गप्पे सप्पे मार रहे थे ठीक है। हमें एक ना मैंने लगाया हुआ था स्टेटस ना, मैंने भी किसी मंगवा भी लगाया था लेकिन मैंने लगाया स्टेटस और उस पर था ये चीज़ थी कि व्हेन यू गॉट हर्ट बाय पीपल्स बिहेवियर
बट सडनली रिमेम्बर मक्का फातिमा वाली इज रियल. ठीक है, मैंने लगाया, 2 सेकंड में स्टेटस लगे, इतनी आवाम ने मुझे मैसेज किया ना, सेंड सेंड सेंड, सारे मुझे लगता है अक्के पड़े हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने इर्द गिर्द के पीपल से, अपने इर्द गिर्द के जो पीपल्स है ना उनके जो फेस के पिंपल्स बन जाते हैं, ये वो वाले पीपल्स हैं. तो सीन ये है कि मतलब समझ आ रही है, सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया की पड़ी है लोगों से, कि जो बेचारे हर टक जा रहे हैं हर छोटी छोटी बात है जिनाब, कुछ नहीं होता, स्टडी की तरह जिंदगी इंजॉय करें, स्लाइड पे कोने में पड़ा झूठे पे आराम से हल्के हल्के झूठे ले रहे, बस ऐसे लाइफ चेंज करो सुकून से. स्कूल से मैं आ गया था तो मैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, काम वगैरह किया, तो और बहन ने पीछे ब्लॉग वगैरह बना लिए होंगे तो वो अभी मैं एडिट करता हूँ, तो आपने लाजमी ये ब्लॉग देखना है, बहुत मज़े का ब्लॉग है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.